फिलहाल गाइस अभी पहुंच गए अपने खेत में और अभी क्या है थोड़ा सा ट्रैक्टर से जो है कि बारी का जुताई करना है। तो अभी गाइस आ गया हूँ और अभी धान को दौरी करना है ट्रैक्टर से। अभी गाइस मैं आ गया हूँ हमारा जो रेपर चल रहा है आज किराए में वहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो गए मस्त हो गए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में क्योंकि जो नाला वाला खेत के ऊपर है उसमें अभी लगाना है पानी क्योंकि उसमें बोना है गेहूं। तो फिलहाल अभी पंप वगैरह लेके जा रहा हूँ, इसके बाद आऊँगा तो ये पूरा दौरी करना है ट्रैक्टर से। और अपन क्या है कि अभी ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में जो अपना 2 HP वाला पंप है उसको लगा दिया हूँ। तो ये देखिए ये है अपना पंप और अभी इसको लेके चलते हैं और खेतों पे आज लगाएंगे इसको। ये है अपना ट्रैक्टर। तो अभी गाइस तार और पाइप इसमें डाल दिए हैं और अभी चलते हैं इसको लेके। अभी गाइस अपन लोग पहुंचने वाले हैं अपन खेत के पास और इस रास्ते से अभी जाएंगे और हम लोग अपने ये वाले जो खेत अभी यहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यहाँ से पूरा आते थे और उसका ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया। ये लीक बना हुआ है और ये देखिए एक छोटा सा नाला है अभी भी इसमें चल रहा है पानी। तो फिलहाल गाइस अभी पहुंच गए अपने खेत में और अभी क्या है थोड़ा सा ट्रैक्टर से जो है कि बारी का जुताई करना है 10-15 मिनट। इसके बाद अपना रीपर को लेके भी जाना है आज धान काटने के लिए और आज अपना रीपर को किराए पे चलाएंगे और अपने साइड में अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है। तो फिलहाल अभी यहीं पर हम लोग को पंप को उतारना है और अभी आ गया ट्रैक्टर को लेके। तो अभी पंप तार पाइप को निकाल लिए हैं और यहाँ डाल दिए हैं और तार भी अभी खिंचा गया। अब चलते हैं खेतों की जुताई करने के लिए। तो अभी गाइस आ गया हूँ सर, अभी इस धान को दौरी करना है ट्रैक्टर से। तो फिलहाल इसको करते हैं, इसके बाद रीपर मशीन को लेकर जाएंगे खेत में। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 और आज अपना खेत से धान को घर में लाना है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लोग अभी भर रहे हैं धान को, तो लगभग अभी भरा ही गया होगा और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर ट्रॉली को लेने के लिए। तो गाइस अभी जा रहा हूँ नदी वाले खेत में जहाँ पर हम लोग धान काटे थे और उसको आज ट्रॉली में भर के लाना है घर। फिलहाल अभी देखिए मौसम कुछ ऐसा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश वरिश होगा। मौसम देखिए मतलब कि बादल पूरा छाया हुआ है
और क्या पता बारिश भी हो सकता है। और इधर देखिए पूरा धान लगा हुआ है इधर भी, और अभी एक आध सप्ताह के अंदर ये पूरे धान कट कर तैयार हो जाएंगे। चलते हैं अभी खेतों की ओर, और अभी मैं हूँ रास्ते में और ये मेरे गांव का रास्ता है। तो गाइस सुबह आज लगभग 8:30 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर लगा के गया था, और 11:30-12 बजे जो भरने वाले आए हैं उन लोगों ने अभी तक इतना ही भरा है। इसको अभी पूरा फुल करके ले जाना है, और ज़्यादा ऊपर तक अपन नहीं ले जाएंगे क्योंकि इधर जो रास्ता है अपना गांव का उसमें जो तार है वो बहुत पास पास है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमें क्या करेंगे इसमें कि आधा आधा भर के ले जाएंगे। तो इधर अभी भर रहे हैं और कुछ ऐसा अभी व्यू है देखिए, और इधर से अपना जो नदी के किनारे वाले जो खेत है वहीं से पूरा धान अभी ढो ढो के ला रहे हैं सर। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है भरने में। तो अभी गाइस मैं आ गया हूँ हमारा जो रेपर चल रहा है आज किराए में वहाँ पर, और सुबेरे लगभग 10:30-11 बजे के आसपास मैं रेपर को छोड़ के गया था। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं जितना मेरे पीछे खेत ये आज कटाया हुआ है, और अभी चलता हूँ जहाँ पर अपना रेपर चल रहा है। और अभी क्या है अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा धान कटाई का सीज़न है अभी, मतलब जिसके पास भी रेपर मशीन है वो खाली नहीं है, पूरा अभी खेतों में लगा हुआ है और पूरा अपने एरिया में रीपर से ही धानों की कटाई होता है। फिलहाल ये देखिए ये पूरा अभी रीपर से हुआ है धान की कटाई। तो गाइस अभी देखिए चल रहा है धानों की कटाई, और अभी शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं, और बादल देखिए बादल की वजह से सूरज कैसा दिखाई दे रहा है, और इधर चल रहा है कटाई। गाइस अपना जो रीपर है इसको पहले हम लोग मिट्टी तेल से चलाते थे, लेकिन मिट्टी तेल का रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया, उसके वजह से अभी हम लोग इसको डीजल से और पेट्रोल से चलाते हैं। कभी कभी डीजल से चलाते हैं और कभी कभी पेट्रोल से, और इस तरह से देखिए चल रहा है धानों की कटाई। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 7:30, और हम लोग रीपर को लेकर 6 बजे के आसपास ही आ गए थे। तो अभी जो धान लेके आया था अभी उसको मिसना है, और ये है अपना ट्रैक्टर, तो अभी इसको जल्दी से मिसाई करते हैं। तो गाइस अपना धान का मिसाई भी हो गया, तो अभी इस तरह का पूरा दिनचर्या चल रहा है, और बहुत ही व्यस्तता अभी जीवन चल रहा है, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी चीज का करने का, बस केवल काम काम, क्योंकि अभी धान का पूरा सीजन चल रहा है, धान का मिसाई, खेतों की जुताई, बहुत सारे काम। तो आई होप आज का यह ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।